हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी स्टाइल में बैंगन का चोखा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक बड़े साइज का बैंगन ली हूँ और साथ ही दो देसी टमाटर मीडियम साइज के ले ली हूँ। बैंगन में हम बड़े बड़े कट लगाएंगे और देख भी लेंगे कि बैंगन अंदर से खराब तो नहीं है। अब मैं बैंगन को रोस्ट कर ले रही हूँ। बैंगन को मीडियम फ्लेम पे उलट पुलट के अच्छे से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी जाली पे हम टमाटर को भी भून लेते हैं। टमाटर को भूनने से पहले चाकू से टमाटर में कट लगा देंगे, जिससे कि टमाटर के अंदर गैस बनेगा तो टमाटर फटेगा नहीं। टमाटर भी अब भून चुका है। अब बैंगन और टमाटर का छिलका उतार देंगे। अब बैंगन को काट के देख लेंगे कि बैंगन कहीं अंदर से खराब तो नहीं है। बैंगन अच्छे से पक गया है और बैंगन हमारा खराब नहीं है। अब मैशर के सहायता से बैंगन को मैश कर लेंगे और टमाटर को भी मैश कर लेंगे। यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज का बॉयल किया हुआ आलू डाल रही हूँ। आलू, टमाटर, बैंगन अच्छे से मैश हो गया है। अब मैं इसको साइड में कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ ही 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स, हमारे चोखा का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए इसलिए मैं इसमें हरा लहसुन डाल रही हूँ। हरे लहसुन को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच व्हाइट नमक डाल रही हूँ। नमक के साथ लहसुन, धनिया और हरी मिर्च को हल्का क्रश कर देंगे, जिससे कि हमारे चोखा में और ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाए। अब सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं 1 टीस्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ, जिससे कि हमारा चोखा और ज़्यादा टेस्टी बन जाए। अच्छे से मिक्स करने बाद हमारा चोखा तैयार है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, झटपट बन जाने वाला ये चोखा सर्दियों में आप ज़रूर बनाइए। इस चोखा को चावल, दाल, पूरी, पराठा, लिट्टी या किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बन जाने वाला यह चोखा आप ज़रूर ट्राई करिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।